Good afternoon, students. In class 10, we are going to start today the third lesson in poetry, and this lesson is A Tiger in the Jew. Here, the poet is just expressing his experience of viewing a tiger inside a Jew, inside a cage. We have to understand about a cage. A cage means that place where a एनिमल वेल एन एनिमल इज जस्ट इम्प्रीजेंट एक ऐसा जगह जहाँ पर एक जानवर को हम लोग कैद करके रखते हैं तो ऐसे ही एक पिंजड़े में चिड़ियाघर के एक पिंजड़े में एक बाघ होता है जो कि कैद एक इम्प्रीजेंट बनकर रहता है एंड पोयट जो है वो जाते हैं और चिड़ियाघर में उस बाग को देखते हैं दस वाई द टाइटल इज यि अ टाइगर इन द जू एंड द सेम एक्सपीरियंस इज एक्सप्रेस्ड हियर बाय द पॉयट थ्रो दिस पॉय नाव ए टाइगर इन द जू एक बाघ चिड़िया घर में यहाँ इस कविता से इस इस कविता के जो कवि हैं जो पोइट हैं पॉइट लेस्ट इन नॉरिस तो वो सब वेरी सेंसिटिव पोएम काफ़ी संवेदनशील कविता है ये और हम मानव को समझाने का एक प्रयास किया गया है कि ऑफर्ड है यहाँ पर कवि के द्वारा कि हम समझें कि आज जो हम चिड़ियाघरों के रूप में पिंजरों के अंदर बंद करके अलग अलग तरह के जानवरों को रखते हैं खुद को अम्यूज करने के लिए खुद को केवल आनंद देने के लिए अपने मनोरंजन के लिए तो इज इट फेयर इज इट इज क्वाइट नॉट फेयर या बिल्कुल सही नहीं है और काफ़ी आश्चर्य होता है काफ़ी सरप्राइज काफ़ी अमेजिंग अमेज हो जाते हैं पॉइंट यहाँ पर कि एक जंगल में खुले जंगल में रहने वाला एक बाघ जो है वो कैसे इंसानों ने उसे एक पिंजरे के अंदर लिमिट से प्लेस में उसे बंद करके रखा हुआ है तो नाउ द पॉइंट सेइंग इन द इंट्रोडक्शन दैट दिस पॉइंट कॉन्ट्रेस्ट ए टाइगर इन द जू विथ द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट तो हियर वी कैन सी अ कॉम्पेरिजन बिटवीन बोथ टाइप्स ऑफ टाइगर आइदर इट बी अ टाइगर ऑफ अ जू और और अफिट्स नेचुरल हैबिटेट यहाँ पर कवि जो है कॉन्ट्रेस्ट करते हैं परस्पर तुलना करते हैं और विषमताएँ दिखाते हैं वो एक बाघ की एक ऐसे बाघ की जो एक चिड़ियाघर में है फिर एक उस बाघ के साथ जो अपने नेचुरल हैबिटेट में अपने प्राकृतिक आवास में रहता है न द प मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल और ये पूरी की पूरी जो कविता है ये चिड़ियाघर से शुरू होकर जंगल तक में सिमट कर रहती है एंड एंड बैक अगेन टू द जू तो ये जो पोएम है ये शुरू होती है चिड़ियाघर से चिड़ियाघर से होते हुए इसकी कहानी बढ़ती है जंगल तक और फिर वापस जंगल से चिड़ियाघर पर ही आकर समाप्त होती है नाउ रीड द पोएम साइलेंटली वंस एक बार को इसे काम होकर पढ़ें इसको एंड से विच स्टैंड आपको बताना है कि इसमें कौन से जो पद हैं स्पीक अबाउट द टाइगर इन द ज़ू विच दू स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जंगल तो इसमें कौन से स्टैंडर्ड है जो एक चिड़ियाघर के बाग के बारे में बताते हैं और वे कौन से स्टैंडर्ड हैं जो एक जंगल के बाघ के बारे में बता रहे हैं ना लिशन स्टूडेंट देर आर वन टू थ्री फोर एंड फाइव डिफरेंट स्टैंड एंड द फर्स्ट स्टैंड इज इनिट स्ट्स दू स्टैप्स ऑफ हिस्केज ऑन पैट्स इन इज क्वाइट रेज यहाँ पर स्टूडेंट्स स्टॉक मीन्स अकड़ कर चलना वेविट का मतलब स्पष्ट साफ दिखने वाले और स्टैप्स धारियाँ जो बाघ के शरीर पर पाई जाती हैं स्टैप्स कदम हो गए तो ही स्टॉक्स इन इज व्यूड स्टैप्स अपने शरीर के स्पष्ट धारियों के साथ वह अकड़ कर चलता है द फ्यू स्टेप्स कुछ कदम कहाँ पर ऑफिस के उस बने पिंजरे के अंदर उस सीमित स्थान में ही वह कुछ कदम चलता है अकड़ के साथ अपने शरीर के स्पष्ट धारियों पर वो अकड़ के साथ जो है कुछ कदम चलता है ऑन पैट्स ऑफ वेल्बिट क्वाइट वेल्बिट नुमा बिल्कुल गद्देदार जो उसके पंजे होते हैं और जो चलने पर बिल्कुल आवाज़ नहीं करते बिल्कुल क्वाइट होते हैं खामोश होते हैं तो उसी गद्देदार वेलबेट में खामोश शांत पंजों पर वो चलता है इन हिस क्वाइट रेज अपने बिल्कुल रोस की मुद्रा में एक गुस्से के मुद्रा में वह चलता है तो स्टॉक्स इन हिज विविड स्टाप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ एंड ऑन पैट्स ऑफ वेलबेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज तो वह अपने शरीर की स्पष्ट धारियों के साथ पिंजे के अंदर कुछ कदम अकड़ के साथ चलता है अपने गद्यनुमा वेल्बेट पंजों पर और अपने रोष की मुद्रा में बिल्कुल रोष होकर के अपने एक गुस्से के अंदाज में वह जो है कुछ कदम अपने पिंजे के अंदर चलता है ही वी कैन से इन दिस स्टैंडा वन द पॉट सीज अ टाइगर That was locked in a inside a cell, and uh, the poet sees that the cell was actually very small for an animal like the tiger. And uh, the tiger, he sees that he takes a few steps inside the case, and although the tiger mm, looks majestic as he moves up and down in the case, but it was really for a sorrow for the. पाय टू सी सच अ ग्रेट एनिमल टू बीप्रजेंड इन साइड अ केस तो यहाँ पर काफ़ी कम लगता है कवि को जब वो देखते हैं कि खुले जंगल में घूमने वाला ये जो शेर है ये जो बाघ है वह आज किस तरह से पिंजरे की सीमित दूरी में ही अपने उसी शान के साथ चल तो रहा है लेकिन यहाँ पर रेज जो गुस्सा दिखाया गया जो रोस में वो चलता है गुस्से में चलता है क्यों क्योंकि उसे रोज इस बात का है कि उसे इसी यही मानव है जिन्होंने उसे उस पिंजरे में कैद कर रख दिया है और उसे कोई उपाय कोई रास्ता नज़र नहीं आता कि वो उस पिंजरे से कैसे निकलेगा तो उसके आज़ादी को छीन लिया गया है एंड दैट्स अंदाजवाई उस बाग के मन में गुस्सा है इस बात का ना ही शुड बी लर्किंग इन शाइडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वे आर प्लम्प डर पास कभी सेकेंड स्टैंडर्ड में अपने आश्चर्य को व्यक्त करते हैं यहाँ पर ही का प्रयोग किया गया है दिस इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन जब हम एक टाइगर के लिए एक जानवर के लिए यहाँ पर ही का जो प्रयोग किया है कभी ने प्रोनाउन के रूप में तो दिस इज कॉल्ड यूज ऑफ परसोनिफिकेशन परसोनिफाई किया गया, गया है उसे ही के द्वारा तो कभी कहते हैं कि ही शुड बी लर्किंग इन शैडो शैडो मान यहाँ अंधकार लर्किंग मतलब घात लगा कर बैठा तो उसे तो कहीं अंधेरे में घात लगा कर बैठा हुआ होना चाहिए स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास और लंबे लंबे घासों से होते हुए धीरे धीरे सरकते हुए आगे बढ़ना चाहिए नियर द वाटर होल किसी जल स्रोत के समीप वाटर होल कोई तालाब या कोई झील के समीप एंड वेयर प्लाम्प डियर पास जहाँ से होकर प्लाम्प मतलब जो मोटे ताज़े हिरन जो है का जहाँ से होकर गुजरते हैं तो कभी कहते हैं कि उसे इस पिंजरे के अंदर नहीं होना चाहिए बल्कि उसे तो होना चाहिए था कहीं जंगल के अंधेरे में घात लगाकर बैठे हुए और धीरे धीरे लंबे लंबे, लंबे घासों पर सरकते हुए अपने शिकार को पकड़ने के लिए किसी जल स्रोत के पास जहाँ पर मोटे ताजे हिरन गुजरा करते हैं ना ही शुड बी अराउंड हाउसेस एट दंगल्स इज वेरिंग में अभी फिर से एक बार से व्यक्त करते हैं कभी हमें एहसास दिलाते हैं कि मानव ने जो है नेचुरल हैबिटेट जो जानवरों का होता है उसे भरपूर तरह से नष्ट किया हुआ है और एक ऐसी स्थिति आ गई है जानवरों के सामने जब जंगल में उन्हें ना तो भोजन मिलता है ना तो रहने का उचित ठिकाना मिलता है तो अब वो कहाँ जाए तो अगर जंगल भी कम पड़ गए हैं तो उन जानवरों को कहाँ होना चाहिए गाँव में घूमता हुआ मिलना चाहिए जहाँ भी कभी कह रहे हैं कि सुटारलिंग उससे घुराते हुए नज़र आना चाहिए उन घरों के आसपास जो एट द जंगल्स जो जंगल के किनारे पर बसे हुए हैं जंगल के छोर पर बसे हुए हैं बैरिंग हिज व्हाइट फैंक्स जो सफ़ेद रंग के उसके चमकीले और तीखे जो दांत होते हैं आगे की तरफ जो मांसल दांत होते हैं वो दिखाते हुए इस क्लॉज और अपने पंजों से तो अपने उन्हीं लंबे तीखे दांतों और अपने पंजों से टैरोराइजिंग द विलेज पूरे गांव को आतंकित करते हुए वह गांव के घरों के आसपास घुराते हुए नजर आना चाहिए दिस पॉइंट दिस जंगल से जंगल के एक छोर पर बसे हुए गाँव के इर्द गिर्द गाँव के चारों ओर उसे गुराते हुए नजर आना चाहिए था अपने चमकीले लम्बे पैने दाँतों और अपने पंजों से गाँव को आतंकित करते हुए नजर आते रहना चाहिए था एना दे फोर्थ स्टैंडर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड यहाँ पर एक बार फिर से दुख व्यक्त कर रहे हैं कभी बट इज लॉक्ट इन कॉन्क्रीट सेल लेकिन काफी मजबूत मान सेल में पिंजरे में वह लॉक्ड होकर रह गया वह इम्प्रिजन होकर के रह गया है कैद होकर रह गया है हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स और उसका पूरा का पूरा बल जो है वो सलाखों के पीछे सिमट कर रह गया है स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ दिस हिज केज और उस पिंजरे की जो सीमित लंबाई है जो जो उसका एरिया है उसी में वह wow, चलते हुए इग्नोरिंग विजिटर्स आने वाले वहाँ पर जो विजिटर्स होते हैं जो आगंतुक होते हैं उनकी वह कोई परवाह नहीं करता और उन्हें काफ़ी गुस्से से देख रहा होता है तो बट इज लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल लेकिन वह एक मजबूत बने पिंजरे में कैद है और उसकी सारी सीमाएं जो हैं इसी पिंजरे की सलाखों के पीछे सिमट कर रह गई हैं इस टॉकिंग द लेंथ ऑफ दिस हिज केज इग्नोरिंग विजिटर और इस पिंजरे के अंदर टहलते हुए काफ़ी अकड़ से इसी पिंजरे की दूरी में वो टहलते हुए वहाँ आने वाले आगंतुकों अग, को बिना परवाह की दृष्टि से देखता है वह बेपरवाही से देखता है वह उन्हें एंड द लास्ट स्टैंड ही हियर्स द लास्ट वॉयस एट नाइ पूरे दिन में उस बाघ को चैन नहीं मिलता विजिटर्स वहाँ आते हैं लोग अपने एंटरटेनमेंट के लिए इन जानवरों को देखते हैं अलग अलग तरह से उन्हें खाना देते हैं उनके साथ खेलते भी हैं बाहर से तो कुल मिलाकर ये पूरे दिन जो है रेस्ट नहीं मिल पाता है जानवरों को चिड़ियाघरों में और रात में भी ही हियर्स द लास्ट वॉयस एट नाइट रात में भी जो अंतिम आवाज़ वो सुनता है वो किस चीज़ की आवाज़ होती है तो द पेट्रोलिंग कार्स गश्त लगाने वाले कारों की होती है वे गश्त लगाने वाले कार जो चिड़ियाघर के ही स्टाफ होते हैं जो पूरे चिड़ियाघर को देखते हैं कि सब कुछ ठीक है या नहीं पेट्रोलिंग का मकसद यही होता है चारों तरफ घूमना और देखना कि चीज़ें सही से है या नहीं है तो वहाँ पर गश्त लगाती हुई गाड़ियों को रात में जो वो आवाज़ सुनता है वो अंतिम आवाज़ होती है एंड स्टेस और उसके बाद एंड स्टेस विथ इज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स और वो घूरता रहता है जब बिल्कुल एकांत हो जाती है रात होती है तो वो बेचारा अपने तेज आँखों से उन दीप्तिमान तारों को जो है निहारता रहता है तो वह अपनी तेज ब्रिलियंट ब्रिलियंट आँखों से उसकी जो जगमगाती जो आँखें हैं वो निहारती रहती हैं उन दीप्तिमान उन ब्रिलियंट स्टार्स को जो चमकते हैं और एक उम्मीद की किरण जगती है यहाँ पर बाघ के मन में कि हो सकता है किसी दिन उसे मौका मिले कि वो यहाँ से आज़ाद हो सके और खुले आकाश को जैसे वाद वो देख रहा है उसी तरह से एक बार फिर से वो खुले अपने नेचुरल हैबिटेट में अपने जंगल में घूम सके तो स्टूडेंट्स हैव टू अंडरस्टैंड दैट थ्रू दि इस वेरियस स्टैंडर्स दर्ट एट फर्स्ट इन द फर्स्ट स्टैंडर जस्ट एक्सप्रेसिंग इज सॉरो ऑन द इम्प्रिजमेंट ऑन बींग इम्प्रिजेंट द टाइगर इन साइड दू एंड इन द सेकेंड स्टैंड द पोट जस्ट हैज विस्ट दैट वेयर द टाइगर शुड बी एट दैट मोमेंट उस जानवर को वो चाहते थे कि वो तो जंगल के में कहीं साइडों में शिकार करता हुआ जो है वो मिलना चाहिए किसी जल स्रोत के सामने तो जंगल में अपने नेचुरल हैबिटेट में जैसे एक बाघ जो है शिकार करता है उस तरह से है उसे होना चाहिए था थर्ड स्टैंडर्ड में कभी जो है वही दिखा रहे हैं यहाँ पर कि अगर जंगल भी बाघों के लिए रहने के लिए जैसा कि काम पड़ गया है काफ़ी ज़्यादा डिफॉरस्टेशन से जंगल कम हो गए हैं तो अगर ऐसा भी है तो भी इस बाग को जो है जंगल के आसपास बसे गांवों के इलाकों में घूमते हुए मिलना चाहिए गांव को डराते हुए मिलना चाहिए था लेकिन ऐसा भी नहीं है अब स्थिति ऐसी आ गई है कि जंगल के इस शानदार जानवर को भी लोगों ने है जो कैद बनाकर रख दिया है और चौथे स्टैंडर में वो इस हकीकत को बताते हैं कि इस तरह का एक जानवर एक शानदार जो बाघ है वो उसके बल को सीमित करके सलाखों के पीछे उसे विवश कर दिया गया है रहने के लिए और उसी सलाखों के पीछे उसी पिंजरे में वह अपनी अकर के साथ चलता है लेकिन उसके नज़र में एक इग्नोरिंग इमोशन है वह किसी को भी परवाह नहीं करता है सबके लिए उसके आंखों में शिकायत है क्योंकि उससे सबने कैद करके रखा हुआ है उसकी आज़ादी को छीन कर रखा हुआ है और रात में भी वो लास्ट स्टैंड में हमने पढ़ा कि रात के टाइम में भी उस पिंजरे में उसे चैन नहीं रहता है और रात में भी वो कई तरह की आवाज़ें सुनता है पेट्रोलिंग कार के आने की आवाज़ें सुनता है और रात में फिर उन्हीं तारों को एकटक नज़रों से देखता रहता है और एक उम्मीद उसकी आंखों में जगती है कि वो का फिर से एक बार जो है अपने खुले जंगल में जाकर अपने प्राकृतिक आवास में रह सके तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कवि जो है इस कविता के माध्यम से उन्होंने एक कॉम्पेरिजन को दिखाया है कि एक जंगल में रहने वाला बाघ जो है वो कैसी ज़िंदगी जीता है और उसी बाघ की ज़िंदगी एक चिड़ियाघर में आने के बाद कैसी हो जाती है तो वी शुड थिंक अबाउट द फ्रीडम ऑफ एनी लिविंग बींग वो एक जानवर भी है तो हमें जानना चाहिए कि जो जीवन का सबसे बड़ा सुख है वो आज़ादी में ही है चाहे वो कोई भी जीव हो अगर वो आज़ाद है तभी वो उसे जीवन का सुख है और इस आज़ादी को छीनने का हमें किसी भी तरह से अधिकार नहीं है that's all from this point and your homework is now just to translate all these stanzas into hindi in your fair copy thank you